हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आया हुआ है सीए सीएमए फाइनल क्वालिफाइड और इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन सभी के लिए है। तो इस फुल डिटेल में देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लीकेशन फीस क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है और ये सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। ये इंटरमीडिएट ग्रुप वन, ग्रुप टू या फिर बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 100% कवरेज ऑफ योर सलेबस ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। लाइव इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है जहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं घर बैठे ही। और आपको यहाँ पे वीकली क्विज कंपटीशन होने वाला है और मेगा कंपटीशन भी है जैसा कि आप हाईलाइट्स में देख सकते हैं। पीडीएफ फ्री नोट्स मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान और सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप PKC10 कोड का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल सकता है। तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का और घर बैठे लाइव सेशन का क्लास एंजॉय करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे 23 है, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एंड एम्पैनलमेंट और मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं जरूर अप्लाई करें। सबसे पहले पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है। तो इन दोनों की बात करें तो डिग्री इन कॉमर्स विथ एटलीस्ट सी ए एंड सी एम ए विथ मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। 40 to 45 ईयर्स आपका यहाँ पे बताया गया है कि आपका एज होना चाहिए। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे हेड ऑफिस न्यू दिल्ली वन पोस्ट है और सैलरी आपको कंसोलिडेटेड 35,000 मिलेगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की बात करें तो एटलीस्ट सेकेंड क्लास बीकॉम यानी सेकेंड डिवीजन आप बीकॉम किए हैं विथ 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एज जो रखा गया है 30 to 40 ईयर्स रखा गया है। हेड ऑफिस में ही वन पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। 30,000 आपको कंसोलिडेटेड पे मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे दो है, असिस्टेंट मैनेजर एंड अकाउंटेंट। तो ग्रेजुएट विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट तो आपका एज यहाँ पे भी 30 to 40 ईयर्स मांगा गया है। हेड ऑफिस में ही वैकेंसी है, 30,000 यहाँ पे पे स्केल है। तो दोनों के लिए यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है एक्सेप्ट एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एम कॉम है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। प्रेफरेंस टू सी ए इंटर सी एम ए इंटर एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप एम कॉम के साथ भी आपका 2 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस, सी ए और सी एम ए इंटरमीडिएट आपने किया है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। खास बात यहाँ पे कि आप जो का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। 30 to 40 ईयर्स का एज क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब मिनिमम आपका 30 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स हो सकता है आपका। यहाँ पे नंबर वैकेंसी वेरियस बताया गया है, हेड ऑफिस के लिए 2, नागपुर 1, दिल्ली 2, पुणे 1, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 1। तो ये है। और यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड पे मिलने वाला है 21,606 मिलने वाला है आपको। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसी में अकाउंटेंट पोस्ट में और भी वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, वो बताया गया है जहाँ पे आपको 19,864 मिलने वाला है। एक वैकेंसी यहाँ पे LDC के लिए भी है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और 6 मंथ्स का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट विदाउट एनी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद मिडिल पास यानी 10th, 13th यहाँ पे मांगा गया है, 25 ईयर्स का एज है। ये क्राइटेरिया आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो उन्हें आप। सो सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रेस्क्राइब नॉर्म्स। तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स बताया जाएगा उसके बेस पे होगा और मोड ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। तो उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उनका इंटरव्यू कैसे, कब और कहाँ पे होने वाला है। जो एप्लीकेशन है आपका यहाँ पे ऑनलाइन आपको सबमिट करना है और कोई यहाँ पे मोड नहीं है, यानी कि आपको जो है ऑफलाइन नहीं अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल और आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहां पे बताया गया 21 सितंबर 2020 है। तो इससे पहले पहले अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर से अप्लाई करें। नेक्स्ट पेज पे यहाँ बताया गया है कि BECIL रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप जो के ऑनलाइन जो अप्लाई करना है ये वहाँ पे लिंक है, वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है जो नोटिफिकेशन में है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का एडवाइस टू हैव देयर फोटो सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन इमेज आपके पास होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 KB। सो पॉइंट नंबर 5 में एक्सप्लेन है कि टोटल आपको 7 स्टेप कंप्लीट करना है। सेलेक्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, इंटर बेसिक डिटेल, इंटर एजुकेशनल डिटेल, अपलोड फोटो सिग्नेचर, ये सारे अपलोड करने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्टेप है आपका प्रीव्यू और मॉडिफाई,
पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड जो है आपका फीस वो अप्लीकेबल है, डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू मेंशन ईमेल आईडी ऑन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन, तो ईमेल करना आपको स्कैंड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे बताया गया है वो सारा स्कैन करना है, लास्ट में ईमेल आईडी वो भी देख लेंगे क्या है ये बता दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ पे 750 रुपीज़ है यहाँ पे, एंड 750 OBC, 750 जनरल, एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। सो आप चाहते हैं अगर एक से अधिक पोस्ट को अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सेपरेट अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करना होगा। SC ST के लिए 450, 100 ex-servicemen 750, वुमेन कैंडिडेट जो है 750, एंड EWS के लिए 450। तो ये अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ से बताया गया है टोटल कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए कितना देना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई, बट यू हैव टू पे सेपरेट अप्लीकेशन फ़ीस फॉर द सेम पोस्ट। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे यानी शॉर्ट लिस्टेड होंगे दे विल इन्फॉर्म, यहाँ पे बताया गया है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो SMS और ईमेल के थ्रू उनको बता दिया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, और आपको अपना रेगुलर ईमेल आईडी चेक करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे ईमेल आईडी की जो बात किया हुआ था ऊपर, वो ईमेल आईडी क्या है वहाँ पे नहीं बताया गया है। ईमेल स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंशन ईमेल आईडी ऑन द लास्ट पेज ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, सो अप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पे लास्ट पेज में आपको ईमेल आईडी मिल दिया जाएगा जब आप जनरेट कर लेंगे, तो उसका आपको स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप वहाँ भी जाके क्वेरी पूछ सकते हैं बाई मेल।